आप सब दा आज दे डिजिटल ग्रामीण महोत्सव दा बहुत बहुत स्वागत है। आज दा कार्यक्रम जरा ऑर्गेनाइज किया गया है बेंचमार्क ग्रुप पंजाब वालों ऑर्गेनाइज है गया स्पेशली पटियाला ब्रांच तो आज दिसंबर 9 तरीक 2020 ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरे तरफ तो आप सब नू मेरे तरफ तो सत श्री अकाल जी आया नू वेलकम। आज दी प्रेजेंटेशन जरी रहेगी मैं वहाँ रतन सिंह मेरा नाम रतन सिंह हैगा मैं रूरल एडवाइजर हैगा रेनो इंडिया का। मेरे नाल मेरे सहयोगी मित्र हैगे ने श्री करण सूद जी जेरे रेनो दे एरिया सेल्स मैनेजर हैगे ने पंजाब और बाकी भी एरिया देखते हैगे ने और बेंचमार्क ग्रुप तो साढ़े नाल जुड़े हैगे ने मिस्टर सुखविंदर सिंह जी जेरे रूरल बिजनेस हैड ने उन्हां दे नाल गौरव हैगे ने पटियाला तो जेरे सेल्स हैड ने और उन्हां सब की टीम असी सारे मिल करके अज दा ग्रामीण महोत्सव मनाना हैगा। आप सब अगे निवेदन है कृपया जुड़े रहा जे अंत तक क्योंकि अज का क्विज भी हैगा क्विज विच इनाम हैगे ने जेरे तुसी अगर ध्यान नाल सुनोगे बारीकी नाल सुनोगे नोट करते जाओगे ते तुहानू क्विज विच इनाम भी मिल सकता हैगा और नाल नाल स्पेशल ऑफर हैगे ने स्कीम्स जेरा तुहाडे गड्डी लैन विच आसानी हुंदी हैगी है कई एक्सचेंज ऑफर ने लॉयल्टी बोनस ने होर भी प्रकार की स्कीम्स ने और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% है सब दसिया जाएगा नाल प्रोडक्ट के बारे में भी दसिया जाएगा कि किवें प्रोडक्ट हैगा। हाउस रूल्स मैं एक बार छेती दसदा कि ऐसी जगह तो पार्टिसिपेट करो जिथे नॉइस नहीं आनी चाहिए है कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए तुहाडा माइक्रोफोन म्यूट से होना चाहिए कोई दूसरी फोन कॉल भी प्लीज ना चुकया जाए और और ऑडियो जरा ऑन ना करे जे उन्हों ऑफ ते रखे। आज दा एजेंडा मैं क्विकली दसदा कि वेलकम इंट्रोडक्शन और एक्टिविटीज साडे गौरव जी और मैं मिल करके और अभिनव जी उस तो बाद जिहड़े साडे सीओ ने बेंचमार्क ग्रुप दे थोड़ा जा दसणगे रेनो इंडिया की हैगी है किदों रेनो इंडिया इंडिया विच आई रूरल दा फोकस की हैगा ग्रुप रेनो कौन हैगा ओहदे बारे च मैं तुहानू दसांगा। प्रोडक्ट के बारे में साढ़े एरिया सेल्स मैनेजर जी अपने शकरन सूद जी थोड़ा जहा विवरण दान गए टॉप 3 साड़ी की गड्डिया है उन्होंने की इंपॉर्टेंट पिलर्स है ने और उस तो बाद डीलरशिप की टीम तो साढ़े मिस्टर सूरज जिहड़े हैड है ने इंचार्ज है ने ट्रेनिंग दे और प्रोडक्ट दे ओ पूरी विस्तार तो जानकारी दसनगे प्रोडक्ट्स के बारे। क्विज का कॉन्टेस्ट जिस मैं दसिया गया ध्यान नाल सुनिया जे मैं और भूपेश जोशी जी बेंचमार्क तो असी लोगों नू मॉनिटर करांगे। साढ़े आज दे चीफ गेस्ट हैगे ने श्री कुलवीर सिंह जी ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उन्हों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं बड़ी खुशी होंगी हैगी उन्होंने इंट्रोड्यूस करते हुए कि अज के दिन वो पटियाला एक नवी गड्डी जी लॉन्च हुई है क्विड न्योटेक अनवेल करे उद्घाटन करे और नाल नाल ही रेनो गड्डी की डिलीवरी भी होनी हैगी है और कस्टमर्स उत्थे हैगे ने जिहड़ी डिलीवरी अज दे दिन हैगी है और डेमो और डिस्प्ले दे बारे विच भी थोड़ा जी जानकारी दित्ती जाएगी किहड़ी गड्डी किस तरीके नाल रूरल विच इस्तेमाल हो सकती है। क्विज दा उस तो बाद कॉन्टेस्ट दा रिजल्ट दसा जाएगा उस तो पहला स्पेशल ऑफर दसे जाएंगे जिहड़े मैं साडे करण सूद जी और गौरव जी स्पेशल ऑफर दसणगे। थैंक यू नोट लास्ट विच सुखविंदर सिंह जी और मैं फिर इनू क्लोजिंग हूँ लै चलते हैं। वेलकम इंट्रोडक्शन और एक्टिविटीज बेंचमार्क ग्रुप तो वालों साडे अभिनव गोयल जी सीओ साहब जिहड़े हैगे ने सुखविंदर जी हेलो 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 हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। अज साडे सीओ साहब ने सर सीओ साहब साडे अर्जेंट मीटिंग पैन करके जा नहीं सके मैं उन्हां मैं सुखविंदर सिंह रूरल हैड आप जी का सारिआं दा तहि दिलों धन्नवाद करदा हाँ जी आयां नूं आखदा हाँ जिन्हां ने अपना बहुत कीमती टाइम कट के ग्रामीण महोत्सव दे विच अपना हिस्सा बने हिस्सा पाया है और बाकी ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਤਨ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ।
अगे लै चलते हुए तुहानू मैं रेनो बेंचमार्क पंजाब दे नैटवर्क के बारे में दसना चाहांगा। नैटवर्क पंजाब रेनो दे 14 सेल्स आउटलेट है और 7 सर्विस आउटलेट है। इस तो इलावा पंचकूला और अंबाला विच भी बेंचमार्क ग्रुप की अपनी एक जगह पहचान है। कृपया आवाज नू बंद कर दो सुखिंदर जी, सारे लोग प्लीज ऑडियो का म्यूट कर दो। बेंचमार्क ग्रुप के बारे में दसना चाहूँगा कि यह एक लीडिंग ग्रुप हैगा रेनो कंपनी का, पूरे पंजाब के अंदर विच हर जगह पर इन्होंने शोरूम्स है। पंजाब में बेंचमार्क ग्रुप और रेनो कंपनी में जाना माना जाता है उन्होंने अपने प्रोफेसनल और ट्रेनड टीम के द्वारा। एक्सलेंट नैटवर्क हैगा, सर्विस सेंटर है, मार्केट के अंदर रीच हैगी है और प्रेजेंस हैगी है उन्होंने पंचकूला और अंबाला तो। बेंचमार्क के जेडे नैटवर्क्स मोटा मोटी अगर तुम्हें मैं दसदा, जलंधर, हुशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, संगरूर, मोहाली, फरीदकोट, पंचकूला, अंबाला, दो तीन जगह से वो होर प्लैन कर रहे हैं। उन्होंने नाम डिस्कलोज करेंगे इस नीतिगण, दो होर उन्होंने आउटलेट्स खुल जाएंगे। उन्होंने आउटलेट्स अगर देखो बिल्कुल रेनो कंपनी की ब्रांडिंग वाकर है, जो रेनो कंपनी की ब्रांडिंग है सब जगह तुम्हें एको जी मिलेगी, चाहे वह लुधियाना होए, पटियाला जिथे आज फंक्शन हो रहा है, मोगा, पठानकोट और अंबाला, उस तो बाद अमृतसर, जलंधर, फरीदकोट, पंचकूला, मोहाली, संगरूर, होशियारपुर और यह सब जगह तो जेरे टीम हैगी है अपनी बेंचमार्क ग्रुप की, और जगह जगह पर जाके रूरल मार्केट में गाँव के जा करके जेरे साडे रूरल मित्र भरा गड्डी लेना चाहते हैगे ने उन्होंने जाके मिलते हैगे ने, समझाते हैगे ने और बैंकों के नाल भी टाई अप करके कस्टमर नू सुविधा देंदे हैगे ने कि कार पहुँच के असी कि तुहाडी सुविधा कर पाईए। अज दे रेनो ग्रुप के बारे में मैं तुहानू अगे ब्रीफ में दसांगा। रेनो का जरा इतिहास है बड़े ध्यान नाल सुनिया जे, क्योंकि जेरे क्विज दे क्वेश्चन है ना उन्होंने जवाब ए है जे। रेनो का जरा हैरीटेज है 122 साल पुराना इतिहास रेनो ने रचा है क्या। यह कंपनी नवी नहीं हैगी, 122 साल पुरानी कंपनी हैगी है जी ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग और यह दुनिया की तीजी लार्जेस्ट ऑटोमोटिव ग्रुप इन द वर्ल्ड हैगी है और नंबर वन यूरोपियन ब्रांड हैगा इंडिया के अंदर। और रेनो का जरा मकसद है वह है पैशन फॉर लाइफ, जिंदगी वास्ते जुनून। 120 साल पुराना इतिहास जरा है इन कंपनी ने बनाना शुरू किया। पहली जी मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट हुई सी 1898 विच, 1898 कार मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट करनी शुरू की सी। रेनो दे डीएनए विच ब्लड विच इनोवेशन है, भावें वह हैचबैक होए, एमपीवी होए, टर्बो चार्जर होए या रिमोट एक्सेस होए, तरह तरह के इनोवेशन रेनो दे आते जाते हैं। यह ब्रांड जरा एक्चुअली फ्रेंच कंपनी का ब्रांड है, ग्रुप रेनो फ्रांस की कंपनी हैगी है। तुसी हर गड्डी विच देखोगे तो लिखेगा कोई स्टाइलिश ऐसी गड्डी डिजाइन बनी हुई है जेरी इतिहासिक एक कदम छोड़ के जाती है और लोग जिसने गड्डी चलती हैगी सड़क पर एक बार देखते हैं कि गड्डी आ गई है इतने, तो पीपल आर एप्रीशिएटिंग, लोग इन एप्रीशिएट करते हैं। क्यों एप्रीशिएट करते हैं? ना केवल गड्डी के लुक से बल्कि गड्डी के जरे रेनो के डीएनए है ने, क्वालिटी, व्हीकल डिजाइन, एनवायरमेंटल रिस्पोंसिबिलिटी, जरे एमिशन नॉर्म्स ने, पावर ट्रेन, पावर दी जरी इंजन पावर हैगी है, इनोवेशन फॉर ऑल, हर तरीके की इनोवेशन करते करते यह साडा डीएनए है। रेनो ग्रुप के हिस्टरी बारे च मैं एक छोटा जा वीडियो तुम दिखाऊंगा, आवाज नहीं सुनाई पेगी लेकिन वीडियो तो तुम समझ आएगा कि यह इतिहास की बोलता है रेनो ग्रुप का हिस्टरी के बारे। यह मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी हैगी है रेनो की, हर प्रकार की जगह मिलेगी, ड्राइवर हो गए
गाना गाया जाता है अपने टाइम के नाल औकात के नाल पूरे दुनिया में फैला हुआ है हर तरीके से गलत होए पूरा होए ना होए देखिए रेनो का डिजाइन रेनो की किस तरीके नाल हर जगह पर प्रेजेंस हैगी है वर्ल्ड विच गल करते हैं रेनो ब्रांड के बारे में मल्टी ब्रांड इंटरनेशनल ग्रुप है बेस्ट सैलिंग फ्रेंच कार मेकर है प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे ऑफर करते हैं इनवेंशन इनोवेटिव गड्डिया है इनोवेटिव डिजाइन ने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ने और सर्विसेज ने और प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ग्रोथ और गड्डियाँ अफोर्डेबल है ने सब दे रीच में होंदिया ने कि हर व्यक्ति इनू खरीदना चाहेगा और खरीदता है यह ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जिदे नाल हर कोई जुड़ना चाहता है यह ब्रांड की फिलोसफी जी है वो सानू अगे लैके चलती है फ्रेंच डिजाइन और ईजी लाइफ के नाल नाल यह दसदी है कि कंपनी दे मैन्युफैक्चरिंग होए भावें कंपनी का सेल स्टाफ होए सर्विस स्टाफ होए या कंपनी के डीलरशिप और उन्होंने स्टाफ हो सब का एक ही मकसद होंगे एक ही पैशन होंगे कि प्रोडक्ट और सर्विस जी है वो क्वालिटी की प्रोडक्ट क्वालिटी की सर्विस असी अपने ग्राहकों दे पाईए और तुहाडे कोल अच्छी तो अच्छी फ्रेंच डिजाइन की गड्डिया जिहड़ियां वार्म डिजाइन लगे कि एक अपीलिंग डिजाइन है अंदरों भी बाहरों भी ताकि कॉन्सैप्ट चेंज होवे लगे तुहानू कि एक इनोवेटिव गड्डी हैगी है ताकि जिस वेले एनु इस्तेमाल किया जाए तो तुहानू फील होंदा है ये अंदर ईजी लाइफ है तुसी एक्सपीरियंस करोगे किन्ने आसानी के तरीके नाल यह गड्डी तुसी चला पाते हो तुहाडी फैमिली चला पाती है और सारे लोग ये अंदर की स्पेस ये अंदर का कंफर्ट ये अंदर का एसी इंजॉय कर पाते हैं। हुण सवाल आता है कि इंडिया के अंदर साड़ी की जड़ा है ने किन्नी मजबूत जड़ा है ने तुहानू लैके चलदा मैं यह एक ट्रस्टेड और वैल स्प्रैड नैटवर्क ब्रांड हो गया है इंडिया के अंदर इस वेले टोटल 456 सेल्स आउटलैट और 475 सर्विस टच पॉइंट ने 456 सेल्स आउटलैट और 475 सर्विस टच पॉइंट्स है ने रेनो दे पूरे इंडिया में और रेनो का अगर इंडिया के अंदर विच फोकस असीए कि असी आज ग्रामीण महोत्सव क्यों कर रहे हैं रूरल के अंदर साडा की फोकस है साडा मकसद यही होगा कि असी विस्तार करिए और रूरल के अंदर विच जिहड़ा ग्रोथ हो रही है तुहाडे नाल कदम तो कदम मिला करके असी ग्रोथ विच तुहाडा हिस्सा बनीए और रूरल मार्केट अज दे तरीक विच जिहड़ी है 25-30% कार की मार्केट जिहड़ी है और रूरल विच हैगी है और रेनो गड्डिया 25-30% जिहड़ियां ने और रूरल गड्डिया विकदियां ने अगर टोटल 100 गड्डी विकदी हैगी है उहदे विचों तुसीं समझो 25-30 गड्डी जिहड़ी है रूरल इंडिया विच जांदी 115 रूरल दे आउटलेट्स हैगे ने ऑल इंडिया लैवल ते 450 रूरल दे साडे ट्रेंड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव हैगे ने जिहड़े तुहाडे कोल पहुँचदे हैगे ने और पहुँच के नाल नाल कई एक्टिविटीज़ करदे ने हर महीने ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡੇ ਹੋਵੇ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਟਾਈਅਪ ਹੋਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹੋਤਸਵ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਨ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਨੋ ਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ 456 ਸੇਲਸ ਆਊਟਲੈਟ 475 ਸਰਵਿਸ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰੰਗਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੇਨੋ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਔਰੰਗਦਾਮ ਔਰੰਗਦਾਮ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰੰਗਦਾਮ ਔਰੰਗਦਾਮ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ
पैन इंडिया नैटवर्क जिस वे असी आए थे 2011 कार्यक्रम स्टार्ट किया दिसंबर 2010 तो कंपनी एंटर कर गई सी उस वे 2011 केवल 35 आउटलेट है जी। तो अज अगर तुसी देखो 9 साल के अंदर विच नवंबर 2020 तक 456 आउटलेट जेरे ने वो अपने रेनो दे हो गए और नाल नाल ही वाओ गड्डियां जेरी वर्कशॉप ऑन व्हील्स ने वो भी साढ़े डीलरशिप ते हैगी है जेरी अगर किसी नूं तकलीफ होवे दिक्कत होवे गड्डी अगर गांव विच खड़ी है रूरल ते खड़ी हो गई है तुसी फोन करना है वर्कशॉप ऑन व्हील्स जेरी है वो तुहाडे कोल पहुंचेगी सर्विस करेगी। 215 एडिशनल फिक्स पब्लिक लोकेशंस ने उस तो इलावा इन एडिशन टू 456 सेल्स पॉइंट और 475 सर्विस टच पॉइंट्स। ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि आज के तरीक विच गांव जेरे ने गांव नहीं रह गए और पंजाब जेरा हमेशा अगे वध चढ़ के रहा है जिथों एग्रीकल्चर का नाम आंदा है या मैकेनाइजेशन का नाम आंदा है सब तो पहला पंजाब पूरे हिंदुस्तान विच की वर्ल्ड विच भी अगे होंदा है जिथे खेती जेरी है मैकेनाइजेशन ट्रैक्टर तरह तरह की मशीना कंबाइना ट्रांसप्लांटर हैरोज रोटावेटर कई अच्छी चीज़ा इस्तेमाल की जाए ने आज ताकि फसल की जी उपज है वह अच्छी हो पाए और वध तो वध हो पाए। कम्युनिकेशन अज तुहाडे कोल मोबाइल्स हैगे ने ऐप्स हैगे ने लैपटॉप्स हैगे ने कंप्यूटर हैगे ने जितों तुहानू एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी की पूरी जानकारी मिल जाती है तुसी देश विदेश नाल कनैक्टिड रहिंदे हो और अपने गाँव विच अपने शहर विच भी अगर असी देखिए तो रूरल जिहड़िया एरियाज हैगे ने उत्थे सड़कां पक्कियां होंगियां ने और बिजली की उपलब्धि हैगी है। गौरमेंट के इनिशिएटिव के नाल नाल चलते हुए अज टॉयलेट्स जिहड़े ने पहला शौचालय नहीं होंदे सन बहुत घट होंदे सन अज जगह जगह पर टॉयलेट्स मिलनगे वाटर सप्लाई मिलेगी सोलर इंजन इंजन जरा पावर मिलेगी और विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड हो गई ने पावर के नाल होर भी सड़कां जरिया गाँव तो लै करके रूरल तो लै करके शहर तक आदियां ने वो पक्कियां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब न बन गई ने तो फैसिलिटी अच्छी हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है ताकि तुसी अपनी जिंदगी में जरा साडा पहला बड़ा स्लो चलता सी मैं भी किसान ही रह चुका जरा पहला स्लो चलता सी उनू किवें अपना फास्ट कर पाइए। रूरल डेवलपमेंट में देखिए तो होम लोन की अवेलेबिलिटी रूरल एम्प्लॉयमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल आज बच्चे बच्चियां लेडीज सब अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अच्छे जगह से लगे पे ने रूरल विच भी कई लोग आ करके डेवलप अपने गाँव नू कर रहे हैं अपने खेती बाड़ी नू वधा रहे हैं। रूरल जरा 66% रूरल है इंडिया का और 34% अर्बन है और रूरल का इंपॉर्टेंस क्यों है क्योंकि तुहाडे कारण ही तुहाडे रूरल एरिया के कारण ही आज देश की इकोनमी चल रही हैगी है पैसा जरा और रूरल इंडिया विच है गया तुसी इनकम स्टेबलाइज की है सोर्स ऑफ अर्निंग वधाई है नाल नाल बैटर कनैक्टिविटी कम्युनिकेशन तुहानू दिता गया जिस नाल तुहाडी रूरल परचेजिंग पावर तुहाडी मेहनत के हिसाब नाल अच्छी हुई है और तुसी रूरल मार्केट नू एक्सपैंड कर रहे हो। लाइफ स्टाइल भी बच्चों का सब का साडा बदल रहा है गाँव के अंदर रूरल के अंदर साडी जरूरत और इच्छावां भी वधिया जा रही हैं। यह सब देखते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिहड़ी है वो भी गाँव के अंदर रूरल के अंदर पहुँचना चाहती है ताकि जी ओपरचुनिटीज़ है ने असी तुहानू समय समय से गड्डी इंट्रोड्यूस कर दीए और तुहानू वो गड्डी दईए नंबर वन जी क्वालिटी की होवे अच्छा डिजाइन होवे कंफर्ट होवे तुहाडे खरीदन के रीच विच अफोर्डेबल होवे और फ्यूल इकोनमी फ्यूल एवरेज अच्छी होवे। रूरल कनैक्ट जरा रेनो टीम करती हैगी है साड़ी रूरल की टीम जी डीलरशिप की है अज डिजिटल मीडिया ईजी हो गया है जिते असी कनैक्ट करते हाँ तुहाडे नाल जिवें अज असी जगह जगह पर बैठे हाँ तुसी कोई किसी गाँव तो बोल रहे हो किसी रूरल एरिया तो बोल रहे हो किसी शहर तो बोल रहे हो और मैं इसलिए हरियाणा फरीदाबाद तो बोल रहा असी सारे एक दूजे नाल जुड़े हुए हाँ कोई साड़ी टीम के मैंबर गुड़गांव नाल जुड़े है ने ते डिजिटल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। तुसी जिसले साडे वैबसाइट पर विजिट करोगे www.reno.co.in तुहाडी कोई भी समस्या होवे कोई जानकारी चाहिए होए 24 आवर वर्चुअल असिस्टेंट अवेलेबल है जिन्हों कनैक्ट करके तुसी अपनी कोई भी जानकारी उत्थे पूछ सकते हैं।
जिनी मैं गल कर रहा सा प्रेजेंस रेनो दी रूरल मार्केट दे, तुसी ये देखो किन साडे आरडीएसीज जिहड़े रूरल सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपने गड्डी दे बारे विच समझांदे होए दसदे होए बैंक विच कैंप लगांदे होए ग्रेन मंडी ते फर्टिलाइजर जगह ते इथों तक कि असी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नाल टाई अप करके जिहड़े बच्चे बच्चियां अपने गाँव नूं डेवलप करना चाहते ने और अपने फार्म नूं होर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते ने, असी वो जे कैंप भी असी ऑर्गनाइज कराते हैं थ्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। साढ़े आर डी एस सी जिहड़े ने रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव बाकायदा प्रोफेसनल ट्रेनिंग इन्हों दी जाती है और हर दूजे तीन महीने इन्हों रिफ्रेशर कोर्स दिता जाता है ताकि यह जरा अपना काम करते हैं तुहाडे कोल पहुँच पान गाँव के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पान रेनो मित्र बना पान। रेनो मित्र साडा वो इनफ्लुएंसर है, वो मित्र है जिहड़ा साडे नाल इक वारी जुड़ जांदा है, असीं उहनूं हमेशा मित्र दे तरीके नाल ट्रीट करदे हैगे। सरपंच जी साडे जिहड़े गाँव दे सरपंच हैगे ने जगह जगह ते उहनां दा वी मैं धन्नवाद करांगा जिहड़े सानूं बहुत सपोर्ट करदे हैगे हन साडे आर डी एस सी दी टीम नूं जिहड़े कैंप्स लगवांदे ने आर डी एस सी। कनैक्टिविटी असी बनाते हैं रूरल डे तो मंडी कनैक्ट इफको डे फाइनेंस कनैक्ट डिजिटल ग्रामीण महोत्सव ताकि जगह जगह पर असी पहुँच पाइए भावें वह खेत हो फार्म होए किरियाने की शॉप होए कोई हाट मंडी होए जिते विलेज का बाजार लग रहा है किधरे कोई फंक्शन हो रहा है किधरे जुलूस निकल रहा है। उन्हें पिछले तीन दिन पहला साढ़े सुखविंदर जी जे रूरल बिजनेस हैड ने उन्होंने एक जुलूस अपना साहब श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही दे जयंती से अपना अमृतसर विच उत्थे जुलूस कटवाया सी और रेनू दी गड्डियां भी नाल नाल चलियां सी और संगत ने बहुत हौसला अफजाई भी की। इस तरीके नाल करके असी नाल नाल पार्टिसिपेट करते हैं हर जगह पर। ऐसी रूरल का इतिहास रेनू का इतिहास और बेंचमार्क ग्रुप के बारे में हुण मैं प्रोडक्ट के बारे में रिक्वेस्ट करांगा साडे एरिया सेल्स मैनेजर श्री करण सूद जी हैगे ने और उन्होंने नाल बेंचमार्क टीम तो मिस्टर सूरज हैगे ने। करण सूद जी तुहानू थोड़ा जिहा ब्रीफली दसणगे किहड़े तीन इंपॉर्टेंट गड्डियां रेनो दीआं हैगीआं ने और उन्होंने किहड़े किहड़े विश्वास वाले स्ट्रोंग पिलर्स हैगे ने वो तीन गड्डियां दे। उस तो बाद सूरज जी तुहानू हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। थैंक यू, ओवर टू यू करण सूद जी। बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी। सब तो पहले सब नूं बहुत बहुत सत श्री अकाल। मैं करण सूद रेनो इंडिया वालों थानूं रिप्रजेंट कर रहा। जिवें रतन जी ने थानूं सारी बैकग्राउंड दसी कि रूरल एरिया या रूरल तबका जिहड़ा अपना है रेनो लई या पूरी इंडस्ट्री लई किवें इंपोर्टेंट है, मैं थानूं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि साडी गड्डियां किवें थानूं बैटर परफॉर्मेंस और बैटर सूट कर दी हैं रूरल मार्केट विच। जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो साडे कोल हले तीन प्रोडक्ट अवेलेबल ने। सब तो पहला प्रोडक्ट जो असीं सब तो पहला लॉन्च किया सी डस्टर, उस तो बाद असीं क्विड नूं लॉन्च किया, उस तो बाद रीसेंट लॉन्च जिहड़ा लास्ट ईयर असीं किया है ट्राइबर। मैं सब तो पहला अपनी क्विड जो बहुत ही रिनोन्ड और सब नूं बहुत पसंद आ रही है गड्डी, इस बारे थोड़ा जानकारी देवांगा। एक गड्डी बेसिकली तीन पिलर्स दे उपर बनी है। सब तो पहला असी गड्डी नूं बहुत अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा लुक्स इस मिनी सैगमेंट विच एसयूवी वाले लुक्स अवेलेबल होन। इनोवेटिव की गल करिए तो इस गड्डी विच बहुत सारे ऐसे फीचर ने जिहड़े थोड़ा बहुत ही इनोवेटिव लगनगे जो दूसरी किसी भी इंडस्ट्री इस सैगमेंट की कार विच अवेलेबल नहीं है। लास्ट साडा जिहड़ा DNA है रेनो का, जो भी असी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं असी ट्राई करते हैं इंडियन मार्केट नूं देखते हुए रूरल मार्केट नूं देखते हुए उन्हें बहुत ही अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि लोगों नूं परचेजिंग दे नाल नाल और ही मेंटेनेंस या रनिंग भी सस्ती पवे। सेकंड प्रोडक्ट ये भी बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट एक्सेप्ट होया, नवा सेगमेंट क्रिएट किया इस प्रोडक्ट ने ट्राइबर जो असी लास्ट ईयर लॉन्च कीती सी। ये भी मेजर तीन पिलर ने जिस विच असी इस प्रोडक्ट नूं डिफाइन करते हैं। पहली है फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल की गल करिए इस विच घट्टो घट तुसी 100 तरह की सीटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तुस इस गड्डी नूं 5-सीटर की तरह चलाओ, 6-सीटर चलाओ या 7-सीटर, ये ऑप्शन थोड़े कोल है। तुसी बूट स्पेस नूं स्टोरेज स्पेस कन्वर्ट करना है या ज़्यादा पैसेंजर कैरी करने ने
कन्वीनियंस थोड़े हाथ है तो किसी भी तरह इस गड्डी यूज कर सकते हैं। सेकेंड अगेन बहुत ही अट्रैक्टिव है लुक्स असी फेयर अगेन बहुत ही अट्रैक्टिव और फीचर रिच गड्डी दिती है। एंड लास्टली बाकी प्रोडक्ट्स की तरह एक गड्डी भी अफोर्डेबल नॉट ओनली इन प्राइस बट मेंटेनेंस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल। डस्टर आई थिंक मार्केट सबनों पता ही है कि बहुत ही वेल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। इस सेगमेंट नू क्रिएट करने वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया सी कंपनी ने आज तो 9 साल पहला जिसने इस कंपनी इस सेगमेंट नू क्रिएट किया है कि एसयूवी दी डेफिनेशन चेंज की सी। बहुत ही बोल्ड लुक्स दे नाल गड्डी अवेलेबल है। रीसेंटली असी जो गड्डी विच चेंजेस किए ने थानू अगे स्लाइड्स पता लगेगा बट असी मेजर चेंजेस अगर मैं गल करा तो असी इस गड्डी विच टर्बो इंजन हुण इंट्रोड्यूस किया है जिहड़ा कि कट पावर कट कैपेसिटी विच ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है और मेंटेनेंस और एफिशिएंसी गड्डी दी इंप्रूव करता है। डस्टर दी गल करिए ये गड्डी ऑलराउंड कैपेबिलिटी नाल आंदी है यानी कि तुसी किसी भी टेरेन ते इस गड्डी नू यूज कर सकते हो चाहे ऑफ रोड हो ऑन रोड हो। ऑटोमैटिक वेरियंट इस विच अवेलेबल है जो थानू किसी भी टेरेन ते कच्चे च पक्के च तुसी गड्डी नू ईजीली यूज कर सकते हो। एंड अफोर्डेबिलिटी माइलेज वाइज प्राइस वाइज और मेंटेनेंस वाइज बहुत ही घट है जो थानू अगे साडे सूरज जी एक्सप्लेन करेंगे। नाउ मैं चाहवांगा सूरज जी थानू प्रोडक्ट्स नू डिटेल विच समझान ताकि थोड़ा अगर कोई डाउट है क्वेरी है या प्रोडक्ट थोड़ा होर जानकारी है थानू इस विच मिल सके। सो आई विल इनवाइट सूरज जी तुसी सारे नू प्रोडक्ट्स बारे एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। सूरज जी हेलो Karan ji, we can take it forward. चलो जब तक सूरज जी अवेलेबल नहीं है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्विड बारे अगर स्टार्ट करिए बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन वाली गड्डी लॉन्च की गई है। अगर इस विच आप देखिए 98% पार्ट्स असी लोकली डिप्यूट किए यानी कि इंडियन मार्केट के हिसाब से गड्डी नू तैयार किया गया है। 98% पार्ट्स इंडिया विच ही बन रहे हैं इंडिया विच ही मैनुफैक्चर हो रहे हैं इंडिया विच ही असेंबल हो रहे हैं। फीचर्स की गल करिए एसयूवी इंस्पायर्ड डिजाइन है इस सैगमेंट विच कोई भी गड्डी विच ये लुक्स ए डिजाइन ए स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है। आज रेट इस विच थानू एसयूवी लुक मिलेगा एसयूवी दी कैपेबिलिटी भी मिलेगी। गड्डी जिहड़ी अवेलेबल है ग्रेफाइट ग्रिल विच अवेलेबल है एसयूवी स्टाइल्ड हैडलैम्प्स ने इस सैगमेंट दी हैडलैम्प्स देखोगे बहुत ही प्रीमियम या हाई रेंज एसयूवी विच अवेलेबल आंदा है। ये असी मिनी सैगमेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस भी सानू ये लुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रंट ग्रिल की गल करिए फ्रंट और रियर भी सानू स्किड प्लेट्स मिलनगी जो कि इस लुक्स नू और परफॉर्मेंस नू होर एनहेंस कर दी है। गड्डी जिहड़ी अवेलेबल है ये थानू दो इंजन वेरियंट विच अवेलेबल होएगी। फर्स्ट इंजन इज 800 cc इंजन है जो कि लोअर प्राइस रेंज विच अवेलेबल है और जिहड़े साडे दोस्त मित्र ज़्यादा परफॉर्मेंस या ज़्यादा पावर वाली गड्डी चाहते हैं उन्होंने 1 लीटर इंजन भी अवेलेबल है जो कि 92 PS की पावर जनरेट करता है जो कि इस सैगमेंट में सब तो ज़्यादा है। बूट स्पेस की गल करिए हाईएस्ट बूट स्पेस इस अवेलेबल है। तुसी फोटो में देख रहे हो कि लगेज ये गड्डी कैरी कर सकती है 279 लीटर। आसान भाषा में कही इस सैगमेंट में सब तो बड़ा बूट स्पेस इस गड्डी में अवेलेबल है जिस भी तुसी अपने परिवार का सारा समान रख के कैरी कर सकते हो। नैक्सट प्रोडक्ट जोड़ा साडा है रेनो ट्राइबर जिवें मैं दस्या बहुत ही फ्लैक्सीबल प्रोडक्ट है जिस विच थानू फ्लैक्सीबिलिटी मिलती है गड्डी नू यूज़ करन दे तरीके विच। तुसी इस गड्डी नू 2 सीटर यूज़ कर सकते हो 5 सीटर यूज़ कर सकते हो 6 सीटर यूज़ कर सकते हो 7 सीटर यूज़ कर सकते हो। सब तो बैटर जो फीचर इस गड्डी विच है ईजी फिक्स सीट जिहड़ी कि लास्ट रो दी सीट्स हैं कोई भी ईजीली ये दोनों सीट्स नू रिमूव करके घर रख सकता है और इस गड्डी नू 5 सीटर की तरह चलाए और 625 लीटर दे बूट स्पेस अवेलेबल हो जाता है 5 सीटिंग ऑप्शन
जिस भी तुसी अपना दुकान दा घर दा और बाकी समान कैरी इजीली कर सकते हो। 100 तो ज्यादा सीटिंग ऑप्शंस इस गड्डी विच अवेलेबल है। अगर मैं मोड्स दी गल करा, नीचे थोनू दिख रहा है किवें किवें असी इस गड्डी दी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन नु चेंज करके अपनी ईज दे हिसाब नाल गड्डी नु यूज कर सकते हो। 2 सीटर बना सकते हो, 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर या 7 सीटर गड्डी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन तुसी चला के यूज कर सकते हो। करण जी, यो जी फैसिलिटी कितने होर ते नहीं होएगी जेरी 5 सीटर कार हैगी है। किसी भी गड्डी विच आज तक किसी ने सोच भी नहीं पाया, लोग कंपटीशन जो अवेलेबल है या तो 5 सीटर अवेलेबल है या फिक्स 7 सीटर अवेलेबल है। सिर्फ ट्राइबर विच फैसिलिटी अवेलेबल है जिन्हों तुसी 5 सीटर बना के भी चला सकते हो, 6 भी बना के, 7 भी। ये ईज थोड़े हाथ च है। जो ईजी फिक्स सीट से मैं गल कर रहे हैं, ये सिंगल हैंड मतलब एक हाथ नाल तुसी उस सीट नू फिक्स कर सकते हो, एक हाथ नाल सीट नू बाहर निकाल सकते हो 10 सेकंड के अंदर। तो ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, एफर्ट नहीं लगना थोड़ा, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। इजीली तुसी सीट नू कट के बाहर रख सकते हो, इजीली फिक्स कर सकते हो। वेरी गुड। अट्रैक्टिव दी गल करिए, अगेन आज सारे नू एसयूवी लुक्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस होनी चाहिए ताकि तुसी हर रोड कंडीशन विच गड्डी नू चला सको। सिमिलरली इस गड्डी दी लुक्स देखोगे, थानू सेडान दे नाल नाल एसयूवी दा इंस्टेंस भी विच अवेलेबल है, ताकि थानू कंफर्ट जिहड़ा है सेडान वाला है और जो कैपेबिलिटी और लुक्स हैं वो एसयूवी दे विच इस गड्डी विच आए। ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਬਰ ਕਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 182 mm ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਐਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰੇਨ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਆ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर मैं अट्रैक्टिवनेस की गल करिए सर, आज की रेट हर बंदा कहता है मैनू फीचर रिच कार चाहिए है, घट प्राइस चाहिए, मेरे पैसे भी घट लगे, मैंने फीचर भी सारे चाहिए। अगर इस गड्डी देखोगे असी स्टार्टिंग मॉडल तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉडल प्रोजेक्टर हेडलैम्पस अवेलेबल करवा रहे हैं, ईगल बीक स्प्लिट टेल लैम्पस किसी सैगमेंट अवेलेबल नहीं है। तो पिछले देखो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है हेडलाइट के नाल। इस गड्डी भी थोड़ा स्मार्ट एक्सेस कार्ड दिता गया है, जो तुम सिर्फ पॉकेट विच कार्ड रखना है, कोई चाबी की लड़ नहीं है। कार के नेड़े जाऊंगे कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी, जिमें ही तुम कार तो दूर जाते हो कार अपने आप लॉक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है और LED इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, बहुत ही प्रीमियम सैगमेंट्स, बहुत ही मतलब 25 लाख तो उपर की गड्डिया ये चीज़ अवेलेबल होंगी है, जिस विच पूरा जो इंस्ट्रूमेंट कलस्टर है वो LED है, कोई भी मैनुअल या कोई भी फिजिकल कीस नहीं है उस। सीट बेल्ट अवेलेबल ने, 4 एयरबैग इस गड्डी में दिए गए हैं जो कि सेफ्टी नूं होर भी इनहेंस करते हैं। 2 एयरबैग फ्रंट से ते 2 साइड डोर से दिए गए हैं, जिस विच ये गड्डी ज़्यादा सेफ रहती है और साढ़े जो कस्टमर ने ज़्यादा बैटर या प्रोटेक्टेड फील करते हैं। अगर आप सेफ्टी की गल करिए, रीयर पार्किंग सेंसर है, ABS EBD स्पीड अलर्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, बिना सीट बेल्ट लगाए एक गड्डी थानू ब्लिंक करती रहेगी जब तक तुम सीट बेल्ट नहीं लगा लेंगे। टेक्नोलॉजी रिच कार है, अगर वॉइस कमांड्स दे नाल चलती है, अगर मैं इस विच डिजिटल जिहड़ा मीडिया नैव दिता गया है, इस सैगमेंट विच सब तो बड़ा मीडिया नैव स्क्रीन दी गई है, जो कि 20.32 सेंटीमीटर 20.32 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन जो कि इस सैगमेंट विच प्रोवाइड की गई है। एक बहुत ही अच्छा फीचर इस दिता गया है, इको ड्राइविंग मोड, जिस विच तुसी अपनी ड्राइविंग देख सकते हो कि मैं ड्राइविंग, अगर मैं किसी ट्रिप पे गया मैं ड्राइविंग अच्छी की, मेरी ब्रेकिंग ठीक सी, मेरी एक्सेलरेशन ठीक सी, ताकि तुसी नेक्स्ट टाइम उन्हें होर इंप्रूव करके गड्डी तो होर बैटर परफॉर्मेंस या बैटर माइलेज ले सको। एक गड्डी दे मीडिया नाम है एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो प्ले दे नाल आंदा, जिस विच तुसी अपने फोन नु कनैक्ट करके पूरा दा फोन अपनी स्क्रीन पर रेप्लीकेट कर लेंगे हो और ड्राइव करते हुए थोड़ा ईजी एक्सेस रहता है, सारे फीचर्स फोन दे थोड़ी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाते हैं। हूँ लास्ट जी गल आती अपने को इंजन, इंजन इस विच 1 लीटर इंजन अवेलेबल है जो कि 2 कॉन्फिगरेशन विच अवेलेबल है, एक मैनुअल और एक ऑटोमैटिक। मैनुअल ट्रांसमिशन जोड़ा है वह जी कंपनी परफॉर्मेंस क्लेम कर रही है 19 किलोमीटर पर लीटर 19 दी माइलेज कंपनी मैनुअल ते
और 18.29 ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 72 ਪੀਐਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਜਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਏਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਡਰਾਈਵ ਬੋਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਕਲੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਗੇਅਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂਅਲ ਔਰ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਡ ਔਰ ਰਿਵਰਸ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਜੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰ ਬੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 19 ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਗੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਸਪੇਸ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਬੈਟਰ ਗੱਡੀ ਔਰ ਘੱਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰ ਮਨੀ ਕਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਈਜ਼ੀ ਫਿਕਸ ਸੀਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਈਕੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡ 4 ਏਅਰਬੈਗ LED ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ SUV ਸਕਿਡ ਪਲੇਟਸ ਫਰੰਟ ਔਰ ਰੀਅਰ ਤੇ ਰੂਫ ਰੇਲ ਵਿਦ ਲੋਡ ਕੈਰੀਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਰੇਲ ਮਿਲੂਗੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਲ ਆਰਕ ਕਲੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਹੈਂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ SUV ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਗਲ ਬੀਕ ਸਪਲਿਟ ਟੇਲ ਲੈਂਪਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਟੇਲ ਲੈਂਪਸ ਮਿਲੂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 8 ਬੈਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਫੀਚਰ ਫਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 26 ਬੈਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਫੀਚਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਵਿਡਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਗ ਰੂਮ ਹੈਡ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕੂਲਡ ਲੋਅਰ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟਾਈਪ ਕੂਲਡ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੇਅਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਰੋਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 31 ਲੀਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 75 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੋਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਰ ਡੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਰੋ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੋ ਬੂਟ ਕਪੈਸਿਟੀ 625 ਲੀਟਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੋਡੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ 182 mm ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਵੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਥਰਡ ਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸੈਂਜਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਏਸੀ ਵੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਵੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੂਫ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏਅਰ ਫਲੋ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆ ਸਕੇ
नैक्सट गड्डी जी ज़्यादा बहुत ही रिनोन्ड प्रोडक्ट है जिसन मतलब रेनो डस्टर के नाम तो जानी जा रही है इस रेट्स मार्केट विच। एरे विच भी असी नवा मॉडल नवा लुक्स नाल नवे इंजन नाल लॉन्च किया है जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। आज की डिमांड के हिसाब नाल गड्डी नूं नवे इंजन नाल लॉन्च किया गया जो कि 1.3 लीटर टर्बो इंजन है। ये इंजन का फायदा की है, असी इंजन की कपैसिटी नाल नाल टर्बो प्रोवाइड किया है ताकि थानू ज़्यादा पावर दे सके। 154 हॉर्स पावर का इंजन इस प्रोवाइड किया है असी, जो कि इस सैगमेंट विच कहीं कितने भी नहीं है। जो अगर कॉस्मेटिक चेंजेस की गल करिए, लुक्स एनहेंस करने वाले चेंजेस की गल करिए, देख रहे हो असी क्रिमसन रेड हेडलाइट्स ग्रिल विच दिती है, नीचे फॉग लाइट विच दिती है, रूफ टॉप ते असी जिहड़े रूफ रेल्स ने उहदे विच भी एनहेंस कीता ताकि लुक्स बैटर हो, थानू एक रोड ते चलदे हुए अलग फीलिंग आए, लोग थानू वापस मुड़ के देखन कि गड्डी विच बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लुक्स दिते गए ने। नेक्स्ट 17 इंच अलॉय व्हील दिता गया जो कि बड़े एसयूवी कारां विच आंदे ने। असी इसी गड्डी विच दिता है इहनू होर बैटर कैपेबिलिटी नाल थानू गड्डी दिती है। एसी अच्छा फीचर दिता गया जिस विच तुसी अपनी कार दा एसी रिमोट दे थ्रू ऑन या ऑफ कर सकते हो। तुसी कार च एंटर करन तो पहला ही अपनी कार दा एसी स्टार्ट कर सकते हो ताकि जब तुसी कार विच बैठो थानू एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरमेंट मिले। स्मार्ट स्टार्ट स्टॉप, जब तुसी किते भी रेड लाइट ते खड़े हो रहे हो, किते रुक रहे हो ज़्यादा टाइम लई, गड्डी विच ऑटोमेटिक फीचर है जो कि इंजन नूं शट डाउन करेगा और फ्यूल बचाएगा। ऑल राउंड कैपेबिलिटी जी पहले भी डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे। हेलो, हाँ जी सर, जैसे अब बोलन दे जे तुसी के अपना एसी तुसी ऑन कर सकदे ते गड्डी भी बाहरों स्टार्ट होगी कला एसी स्टार्ट होएगा? सर गड्डी भी स्टार्ट होएगी फिर एसी स्टार्ट होएगा, ये फीचर एक्टिवेट करवाना पैंदा है। हाँ ये थोड़े कोल ऑप्शन है, अगर तुसी ये फीचर एक्टिवेट करवाना चाहते हो एक्टिवेट करवा सकते हो, नहीं तो कंपनी तो पहला डीएक्टिवेट होके आंदा है। जब तुसी वर्कशॉप डिलीवरी लोगे गड्डी दी तुसी फीचर नु एक्टिवेट करवा सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। पावर की गल करिए, 156 हॉर्स पावर पीएस का इंजन है जो कि सैगमेंट विच बड़ी गड्डियां जिहड़ी एसयूवीज आंदी है उन्हां दी पावर 20 तो घट है, जिस नाल तुहानूं बहुत ही थ्रिलिंग ड्राइव का एक्सपीरियंस मिलता है। और ये इंजन कोई नवा इंजन नहीं है, ऑर्डरली ऑलरेडी रिनोन्ड इंजन है, रेनो दी बाहर वर्ल्ड वाइड गड्डियां विच ऑलरेडी चल रहा है। आज तक इस इंजन विच कोई प्रॉब्लम कोई ट्रबल किते नहीं आई एंड बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस वाला इंजन है। ता ही असी इस गड्डी इस इंजन को इंडिया विच लेके आए हैं और अपनी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट डस्टर विच इन्हों प्रोवाइड किया। ये कुछ फीचर्स ने टर्बो लई किवें थानू वेस्ट गेट है सिस नू होर बेटर तरीके नाल यूज करदा है और थोड़ी पावर और इमिशंस नू घटांदा है। सीवीटी वेरिएंट भी अवेलेबल है इस विच, ऑटोमेटिक वर्जन भी अवेलेबल है जिस नाल तुसी अगेन कंफर्टेबली इस नू ड्राइव कर सकते हो। और ऑफ रोड कैपेबिलिटी की आप गल की, बहुत ही स्ट्रोंग सस्पेंशन, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन गड्डे विच अवेलेबल है जिसनों थानू लोंग ड्राइव ऑफ रोड ड्राइव कितने भी दिक्कत नहीं आएगी। अप हिल जाते हुए बहुत सारे मित्र पहाड़ों पर ट्रैवल करते हैं, बहुत कई बार दिक्कत आती है, आप चलते चलते गड्डी को ब्रेक लगा के रोकना पैंता है। इस गड्डी विच फीचर है जिन गड्डी अप हिल से 2 सैकेंड तक रुकी रहेगी ताकि तुसी अपना नैक्सट गेयर डाल के गड्डी मूव कर सको। ये कुछ साडे मॉडल्स ने जो अज दी रेट अवेलेबल हैं। 2 तरह के इंजन अवेलेबल ने, 1.5 लीटर और 1.3 लीटर। 1.3 लीटर साढ़े 3 वेरियंट आते हैं और 1.3 लीटर साढ़े 5 वेरियंट आते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक मिला के। सी साड़ी प्रोडक्ट लाइन, इस प्रोडक्ट लाइन नू होर अगर एनहेंस करन दी गल करिए, अज दी रेट हर बंदा कहिंदा मैनू कस्टमाइज मैं अलग किवें दिखा, साढ़े कोल बहुत ही ह्यूज बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल है जो साड़ी कार नू होर भी बेटर कस्टमाइज या पर्सनलाइज बनाती है ताकि साड़ी कार ऑन रोड जाते हुए ज़्यादा बेटर लगे, अट्रैक्टिव लगे और सानू ज़्यादा प्राइड फील होगा। C
ਅਸੀਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਏ ਜੈਨੂਇਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰੈਨੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਨੋ ਟਾਈਗਰ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਫੀਚਰਸ ਡਿਟੇਲਸ ਜਦ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੋਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰੈਨੋ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ੋਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਟਾਈਗਰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੀਚਰ ਰਿਚਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੈਨੋ ਟਾਈਗਰ ਗ੍ਰੇਟ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੈਨੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰੈਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਐਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਸ 8 ਈਅਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਓ ਮੈਂ ਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕੁਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੋ ਆਈ ਹੈਂਡ ਇਟ ਓਵਰ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਰਤਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਕੁਇਡ ਡਰਾਈਵਰ ਡਸਟਰ ਔਰ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਰਿਟੇਲ ਵੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਰਤਨ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਰਤਨ ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਸਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਹਮਾਰੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਨਵੀਲ ਕਰ ਦਿਜੀਏ ਸਰ ਕੁਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਭੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਭੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਪਿੰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਕਾ ਫੋਨ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਰਣਜੀਤ ਸਰ ਆ ਰਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਲਾਈਨ ਪੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਭੂਪੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਲੋਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਕੇਵਲ ਰਣਜੀਤ ਔਰ ਗੌਰਵ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਤਨ ਸਰ ਸਰ ਆਪ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਸਰ ਆਪ ਵਾਲਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ Thank you.
अपना कैमरा वैमरा ऑन करिए अपना गौरव जी। गाड़ी की तरफ रखिए कैमरा, जैसे सेट किया था मॉर्निंग में, सीधा रख के सीधा रखो, सीधा रखो जी। दूर जाओ फेस दिख रहा है, फेस दिख रहा है, गड्डी दिखनी चाहिए। भूपेश जी ऑडियो बंद करो। गौरव थोड़ा दूर पे आओ आप। कैमरा टेढ़ा है, कैमरा टेढ़ा है, कैमरे को सीधा करिए, मोबाइल को गौरव जी मोबाइल को सीधा करो। ये तो पिछला पैसा आ रहा है, थोड़ा दूर जाओ। जीत का फोन ही लगा था इसलिए दूसरा फोन। अब कोई बात अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा और दूर आ जाओ, थोड़ा और दूर आ जाओ, कैमरे को दूर करिए, कैमरे को गाड़ी से और दूर करिए, और गाड़ी का सेंटर लीजिए। आप राइट को जा रहे, लेफ्ट को आइए। और पीछे करें सर? हाँ और पीछे कर लीजिए, बस बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन पीछे जो खड़े होंगे उनकी शक्ल नहीं दिखेगी, थोड़ा सा और दूर कर लो अगर आप दूर आ सकते हो। नहीं, शक्ल नहीं दिख रही, थोड़ा दूर आइए और पीछे करो कैमरा। हाँ थोड़ा और पीछे, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो, आप थोड़ा ऊपर की तरफ कर दो, ना सेंटर करके ऊपर कर दो ताकि शक्ल दिखे, कैमरा थोड़ा ऊपर टिल्ट की तरफ कर दो। हेलो जी, सारे लोग अपना ऑडियो पहला म्यूट कर दान, और कुलवीर जी को मोबाइल दे दो। कुलवीर जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत होवे। गौरव एक ये मोबाइल अपना कुलवीर जी को दे दीजिए, मोबाइल कुलवीर जी को दे दो। गौरव हाँ जी, कुलवीर जी को फोन दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा। कुलवीर जी सत श्री अकाल, मैं रतन सिंह बोल रहा हूँ, एडवाइजर। स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज दा आंदा, और स्वागत शुभ अच्छा, तो आज लॉन्चिंग हो रही है क्विड नियो टेक दी, बहुत बहुत मुबारक सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, थैंक यू जी। हाँ जी लॉन्च करा दो। लॉन्चिंग
वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो सब नो बेंचमार्क दी टीम नो, साडे कुलवीर जी नो बहुत बहुत धन्यवाद। सुखिंदर जी दो शब्द कुलवीर जी नो बोलो, जरा बोलनगे अपना क्विड दे न्यूटेक दे बारे च। हाँ जी लो सर, कैमरे की तरफ आइए। जिनको डिलीवरी करनी थी वो आ गए क्या? डिलीवरी जिन्होंने आ गए। हाँ जी सर, इन्होंने हाँ जी कार्यक्रम चालू रखो, अगला कार्यक्रम कर लो। जिंदर जी गड्डी दी चाबी दी डिलीवरी भी करवा दो। राइट सर, राइट, लाओ चाबी लाओ, चाबी लाओ। कस्टमर कितने गए? एक गाड़ी ले गए, एक बच्चे और। केरी गड्डी डिलीवर हो रही है इन्हों? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, केरी सर करा दी सर मैं। हाँ जी कराओ ना।
चलो जी सुखेंद्र जी और कोई गड्डी डिलीवरी हैगी है इस वेले? ओके हुण असीं अगला कार्यक्रम स्टार्ट करदे हां क्विज दा। ओके सुखेंद्र जी, सुखेंद्र जी ऑडियो सारे लोग म्यूट कर दो प्लीज, ऑडियो म्यूट कर दो, ऑडियो म्यूट कर दो। ऑडियो म्यूट कर दो सुखेंद्र जी। भूपेश जी आप लाइन पे हो? भूपेश? यस सर। अभी हम क्विज की तरफ ले चलते हैं जी। और क्विज दे बारे में सब नु दस दवा, 6 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, 3 विनर नो मैक्सिमम 1500 रुपए तिकंदा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बेंचमार्क दे तरफ तो। पहला इनाम है गया 1500, दूजा इनाम है गया 1000 रुपए, तीजा इनाम है गया 500 रुपए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 8427777770। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 84 27 77 77 70, 8427777770। नंबर नोट कर लिया तुसी सबने आपने डायरी पेन ते 8427777770। नंबर फिर उत्ते स्क्रीन ते तुहाडे हैगा 8427777770। अपना नाम लिख के एक स्पेस छोड़ के तुसी आंसर लिखना है। हुण मैं क्वेश्चंस तुहाडे सामने रखना जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तुहाडे स्क्रीन ते, सिंस विच ईयर रेनो स्टार्टेड मेकिंग कार, केरे साल तो रेनो ने कारा बनानिया शुरू कीतिया। तुहानू इतिहास दे बारे दस्या सी, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਨੋ ਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੇਨੋ ਦੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੇਨੋ ਦੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੇਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੇਮ ਆਫ ਨਿਊ ਕਾਰ ਅਨਾਊਂਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਨਵੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲਸ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਨੋ ਦੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲਸ ਆਊਟਲੈਟ ਰੇਨੋ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੈਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਡੀਓ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਕੁਇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਕੁਇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਏ ਐਮ ਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਏ ਐਮ ਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ 8427777770। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਨੋ ਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਨੋ ਦੀ ਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੇਨੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲਸ ਆਊਟਲੈਟ ਰੇਨੋ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਪੰਜਵਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਕੁਇਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਛੇਵਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ AMT ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਕੁਐਸਚਨ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 6 ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੁਇਜ਼ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤਿਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਇਜ਼। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਰੇਨੋ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਚਾਈ ਹੈਡ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਲਟਰਾ ਮੋਡੂਲਰ ਸਵਾਲ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਰੂਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਓਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕੁਇਡ ਨੂੰ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਟਰੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਟਰੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਡ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕਾ ਬੈਗ ਇਹ ਦੇਖੋ 17 ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬੈਗ ਹੋਏ, ਸੀਡ ਬੈਗ ਹੋਏ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਹੋਣ, ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਹੋਣ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥਾਨ ਹੋਣ, ਸ਼ੂ ਬਾਕਸਿਸ ਹੋਣ, ਮਿਲਕ ਟ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪੇਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਟਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਕੁਇਟ ਦਾ ਨਿਓਟੋਕ ਨਿਓਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ माइलेज नहीं लिखा हुआ सर, जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है ड्राइवर का सर, वो ब्रोशर पे कहीं भी मेंशन नहीं है सर। ब्रोशर पे मेंशन नहीं है। मैं अभी ये इसके बाद में आपका प्रश्न का उत्तर करता हूँ, कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे चलने दीजिए। करण जी, हैव यू नोटेड अ पॉइंट प्लीज? यस सर, यस, नोटेड नोटेड, विल गेट बैक। या तो आपको ये बता दिया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है सर? सर परमजीत सिरोही सर। परमजीत सिरोही जी, आप कहाँ से हैं? सर मोदी नगर सर, क्रिस्टल। ओके, ठीक है, बता दिया जाएगा। अभी स्पेशल ऑफर के तरफ में हम चलते हैं। गौरव जी, स्पेशल ऑफर के बारे में आप जरा बताएं, और तब तक हमने क्विज के अभी सारे क्वेश्चंस जो है हमने क्लोज कर दिए हैं। अभी कोई भी आंसर अब एक्सेप्ट नहीं होगा। भूपेश जी कृपया नोट कर लीजिएगा, और रेनो का अगर कोई भी एम्प्लॉय होगा, रेनो के डीलरशिप का एम्प्लॉय होगा, उनको आप उसमें से डिलीट कर दीजिएगा। उनको इनाम नहीं मिलेगा, केवल कस्टमर्स के लिए है। और मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। गौरव जी, आप कृपया ले चलिए आगे स्कीम की तरफ और डिस्काउंट्स की तरफ प्लीज। गौरव जी, हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी, आप ऑफर की तरफ बताइए प्लीज। हाँ जी ऑफर, हाँ जी, ऑफर हमारे इस महीने के 10 दिसंबर एक ऑफर होती है, गाड़ियां परचेज करने के लिए सबसे बेस्ट मंथ मानते हैं, माना जाता है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छे ऑफर हमें रेनो ने दिए हैं इस बार। तो उसमें आपको रहेगा अप टू 20,000 तक का कैश ऑफर है क्विड पे, और 15,000 तक का एक्सचेंज है वेरिएंट पे, अलग अलग वेरिएंट पे। और उसके बाद अगर ट्राइबर की बात करें तो मैनुअल पे आपको 10,000 तक कैश मिलेगा, और ऑटोमेटिक पे 20,000 तक कैश है, प्लस 20,000 का एक्सचेंज भी है ट्राइबर पे। देन अगर डस्टर की बात करें, डस्टर पे आपको 30,000 तक का एक्सचेंज है, और कुछ मॉडल्स हैं जो 13 HR 13 है, उस पे आपको 20,000 तक का कैश प्लस 30,000 का एक्सचेंज। और अगर वो डस्टर ऑनर है ऑलरेडी, तो 3 years की या फिर 50,000 किलोमीटर की AMC मिलेगी उनको। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन ऑफर RIPL ने दिए हैं हमें इस चीज को प्रमोट करने के लिए। सो इसमें क्विड की बात करें अगर, इसमें अनाउंस्ड ऑफर भी है ऑफ द ईयर, उसमें लॉयल्टी ऑफर भी है, और अलग अलग वेरिएंट्स पे जैसे स्टैंडर्ड, RXE 0.8, इन पे ऑप्शन है आपको। जैसे मैंने बताया कि पहले बता चुका हूँ कि 20,000 का कैश है आपको RXL AMT पे है, 15 का कैश है वो अदर वेरिएंट्स पे है, प्लस 15 का एक्सचेंज है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0% की स्कीम निकाली है इस बार कंपनी ने सर। और लॉयल्टी ऑफर भी आपको 10,000 तक के एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। और डस्टर की बात करें तो लॉयल्टी ऑफर भी है, एप्लीकेबल RXE पे है, और RXS पे आपको 30,000 तक का एक्सचेंज मिलेगा, प्लस लॉयल्टी ऑफर भी है, एंड आफ्टर दैट RXZ पे भी 30K का एक्सचेंज है। एंड हाँ, अभी स्पेशल स्कीम की बात करें अगर, रेनॉल्ट ने कुछ स्पेशल स्कीम निकाल ली अपने सिर्फ रूरल कस्टमर्स के लिए, जैसे आज महोत्सव हो रहा है, तो क्विड के लिए, क्विड के आपको स्पेशल ऑफर मिलेंगे 5,000 के, ड्राइवर के भी 5,000 के, और डस्टर पे आपको 15,000 तक के ऑफर है। और डीलरशिप जैसे स्पेशल ऑफर दे रही है ग्रामीण महोत्सव के लिए, 5,000 तक की, 5,000 तक की एक्सेसरीज अगर आज ही बुकिंग होती है या इस दौरान बुकिंग होती है, तो 5,000 की एक्सेसरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारी तरफ से। थैंक यू सूरज, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच गौरव जी, थैंक यू, आपने स्कीम बताई। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपने स्कीम्स के लिए जितने भी आपके सेल्स कंसल्टेंट हैं, डीलर के रूरल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके संपर्क में सारे कस्टमर्स रवन, ताकि डिस्काउंट के बारे में समझ सकन। और
ਗੱਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਪੇਸ਼ ਜੀ ਕੁਇਜ਼ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੇ ਲਈ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਪਲੀਜ਼? ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਉਪੇਸ਼ ਜੀ ਓਨਲੀ ਟੂ? ਯੈਸ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्विज के आंसर्स के तरफ, उनके विनर्स की तरफ, ताकि आपने 1500 का जीता, 1000 का जीता या 500 का जीता, ये 6 क्वेश्चंस थे। मैं बारी बारी आपको क्विज के आंसर बता देता हूँ। अभी पहला क्वेश्चन था, विच ईयर रेनो स्टार्टेड मेकिंग कार, केरे साल तो रेनो ने कार बनानी शुरू की थी। एदा सही आंसर है 1898। और उस तो बाद दूजा क्वेश्चन सी, केरी जगह ते रेनो कार मैन्युफैक्चर इंडिया च होंदी है? औरकदाम, चेन्नई। तीजा क्वेश्चन सी, रेनो दा गड्डी दा नाम की हैगा जिहड़ी हुणे आई है, उहदा नाम हैगा रेनो काइगर। चौथा प्रश्न सी, टोटल सेल्स आउटलेट किन्ने हैगे ने? ओह हैगे ने जी 456 आउटलेट्स। पांचवा क्वेश्चन सी, मैक्सिमम बूट स्पेस क्विड दी किन्नी हैगी है? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 279 liter। ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰ EMT ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 182 millimeter। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਆਂਸਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ 2 ਸੱਜਣ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਸਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼? सोनू सिंह, आप कहां से हो सोनू सिंह जी? हेलो सोनू जी। हाँ जी सर। सोनू जी आप कहां से हैं? मुल्लापुर से सर। ये कहां पड़ता है, थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए अपने बारे में। हेलो, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਸੋਨੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਬਤਾਓ। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ, ਬਾਈ ਦਵੇ ਮੈਂ ਹੋਂਡਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, 2-wheeler 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹ 2 ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਬੋਥ ਦਾ ਨੇਮ, ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਨੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 7 ਟੋਟਲ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਔਰ ਰਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਔਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬਰਕਾ ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਔਰ ਰਿਟੇਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਪਾਓ ਵਟਸਐਪ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7087013414 ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6353530109 ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਨੋ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਲਵਿਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ ਸਟੇ ਸੇਫ ਰਹੋ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਰਾਈਟ ਜੀ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹੋਤਸਵ ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸੂਦ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਰੈਨੋ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਯੂ ਮੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਰਤਨ ਸਰ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰਨ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਨੋਲਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਤਨ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈ ਵਿਲ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਆਲ ਦਾ ਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹੋਤਸਵ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਗਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 2020 ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ